अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं टॉप 5 ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स जो आपको नेक्स्ट वीक में अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई टाइम फ्रेम। अगर बिलफर्ज अगर आप वीडियो को मोस्टली स्किप कर देते हैं तो अक्सर ही आप एक ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरी को मिस कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने कॉइन्स को बाय करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली वीक मैंने आपसे टॉप 5 मेटावर्स अंडर वैल्यू कॉइन शेयर किए थे, तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि अदर्स नेटवर्क पे काम करने वाले लोगों की तरह मैं आपको कम से कम कॉइन्स देकर अपना चेहरा गायब ना कर लूँ, कम से कम आपको उन कॉइन्स के बारे में रिव्यू दूँ जिनको मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम बढ़ें अगले टॉप 5 कॉइन की तरफ, पिछले टॉप 5 कॉइन का मैं रिव्यू ज़रूर दूंगा ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि वो कॉइन्स जो मैंने आपसे शेयर किए थे अगर आपने बाय कर लिए तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर आपने इग्नोर कर दिए तो आपने बहुत बड़ी गलती की। फिर भी आपको मायूस नहीं होना, अब जो मैं कॉइन्स आपसे शेयर करूँगा ये भी आपको प्रॉफिट ही दे करके जाएंगे। तो दोस्तों, ये मेटावर्स के 5 अंडर वैल्यू कॉइन मैंने आपसे शेयर किए थे और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ $10 के बाय कर लेने हैं। पहला कॉइन है मेगा लैंड 8028 में मैंने आपको बाय करने की रिक्वेस्ट की थी। ये वीडियो आपको इसका थंबनेल स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहा होगा और साथ इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको 8028 में मैंने बाय करने को रिकमेंड किया था, आज ये 8034 पे पहुंच चुका है, स्काई रॉकेट हो चुका है। UFO जो मैंने आपको 5094 पे बाय करने को बोला था उस वीडियो में, और आज 4015 पे आ चुका है, यानी कि बकायदा उसका 10 कम हो चुका है। और अगर आपने स्टारलिंक को बाय किया था तो ये 4018 पे मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो स्टारलिंक आज 4027 पे आ चुका है। और अगर लास्ट में बात करें एक्स डोज की, तो वो मैंने आपसे 4068 पे आपको उसकी रिकमेंडेशन की थी और आज वो 3055 पे है, यानी कि इन सारे कॉइन में से आपने UFO और एक्स डोज में अच्छी खासी प्रॉफिट गेन कर ली होगी। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को देखा था, संजीदा लिया था, तो आपने सिर्फ $10 से उन कॉइन से अच्छी प्रॉफिट गेन कर ली होगी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, अपने प्यार करने वालों को जो मेरे एक फैमिली की तरह, मैं उनको हमेशा कुछ ऐसा दूँ, ऐसे प्रोजेक्ट से आगाही दूँ जिससे वो अच्छी अर्निंग कर सके। तो दोस्तों, अगर आपने उससे अर्निंग की तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपने क्या अर्निंग की। तो अब बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉप 5 कॉइन की तरफ ताकि आप भी उससे आने वाले वक्तों में, आने वाले वीक में अच्छी अर्निंग कर सकें। तो बिना देर किए बढ़ते हैं उन कॉइन्स की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपसे टॉप 5 आर्ट कॉइन शेयर करूं, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो की दुनिया से हर न्यूज, कॉइन के रिव्यूज और क्रिप्टो मार्केट की डेली एनालिसिस वीडियो मिलती रहे बिना किसी झंझट के, तो आपने बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में देरी ना हो। रैंक की बात करें हम अगर मूनबीन कॉइन की, तो इसका रैंक है 141, GLMR इसका कोड है। अक्सर हमारे व्यूवर्स ने इसे महंगे दामों में बाय कर रखा है, अज खुद, यानी कि थोड़ी सी मतलब अकल लड़ा के, लेकिन ये उसका बाइंग टाइम नहीं था। बहुत से लोग जो $16 में बाय कर चुके हैं, यकीनन वो इस वक्त मुश्किल में होंगे, जिन्होंने 24 में किया है वो भी। लेकिन जैसे कि मैं आपको डेली रूटीन में अक्सर औकात ज़्यादा बोल जाता हूँ और आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ बातें, और आपको बाद अवकात ऐसे लगता है कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन वो आपके फ़ायदे की बातें होती हैं। दोस्तों, जहन में रखिएगा कि हर कॉइन को बाय करने का एक टाइम होता है, उसकी एक कॉइन की कीमतन एक हैसियत होती है। अगर आप किसी भी सस्ती सी चीज़ को महंगा खरीद लेंगे तो आपका आपका ही नुकसान है, दूसरे का कुछ नहीं जाता। तो आप बात करते हैं GLMR के ऑल टाइम हाई की, तो इसका ऑल टाइम हाई मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, $24 इसका ऑल टाइम हाई है, आज ये 4.91 में आपको खरीदने में दस्तयाब है। इसमें आपने एंट्री लेनी है दोस्तों $2.30 में, जो आपको ये लाजम इस वीक में किसी भी वक्त मिल सकता है, हो सकता है आज रात को ही मिल जाए। आपने 230 पे इसे बाय करना है और सेल आपको जैसे ही प्रॉफिट इसमें मिलती है तो आपने इसे सेल कर देना है, और इसको आपने कमोबेश $30 का बाय करना है और आप अर्न कर सकते हैं इससे आसानी से $100 या $150 डेफिनेटली, लेकिन आपने टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं जल्दी से सेकंड वन कॉइन की तरफ। सेकंड वन ऑल्ट कॉइन जो आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, कमोबेश एक कॉइन आपने ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। नाम है इसका इथेरियम क्लासिक, कोड है इसका ETC, रैंक है 36। अगर दोस्तों आपने इसमें एंट्री लेनी है तो इसका बेस्ट बाइंग टाइम होगा $20 या $23 के दरमियान, आप इसे बाय करके
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हर तरह के लिए बाय करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ऑल टाइम हाई इसका $120 है। ये एक कॉइन आपको कभी भी स्काई रॉकेट होकर के मार्केट के बूस्ट करने पे आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आपने इसमें ज़्यादा नहीं, जस्ट एक कॉइन बाय करके आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें, इंशाल्लाह आप इससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये कॉइन लिक्विड होने वाला नहीं है, शिट कॉइन नहीं है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और इसकी जितनी भी शाखें हैं वो जाके सीनियर एथेरियम इसके फादर से जाकर के मिलती हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, टाइम फ्रेम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इससे आप शॉर्ट टर्म की भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप $3 से $4 डेली की सूरत में अर्न करें तो आप एथेरियम क्लासिक में काम कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपको इसका लो टाइम फॉलो ज़रूर करना होगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से थर्ड वाइन आर्टकॉइन की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, थर्ड वन आर्टकॉइन के तौर पे आपने अपने पोर्टफोलियो में इस टोकन को ज़रूर आपने ऐड करना है। नाम है इसका ओमी, यानी कि इकोमी। और अगर हम इसके रैंक की बात करें तो 210 इसका रैंक है, 0067 पे हमें ये बाय करने को अवेलेबल है, और आपने $10 से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 0.01 सेंट इसकी प्राइस थी, डाउनफॉल का शिकार है। एंट्री आपने इसमें लेनी है 0030 पे, 0030 पे आपने इसे $10 का बाय कर लेना है। उसके बाद ये कॉइन आपको डेफिनेटली $10 के साथ अच्छा प्रॉफिट देने को मिल सकता है। अगर आपकी रेंज ज़्यादा है तो $20 से ज़्यादा आप जंप मत कीजिएगा, आपको इस वीक में अच्छी प्रॉफिट ये कॉइन दे करके जा सकता है, लेकिन फॉलो कीजिएगा मेरा बताया हुआ टाइम फ्रेम। थोड़ी सी भी लालच मत कीजिएगा, क्योंकि ये कॉइन इनका टाइम फ्रेम हमेशा फॉलो करने के काबिल होता है। मैं बेवजह आपको बार बार एक बात नहीं दोहराता ताकि आपके दिमाग में मेरी बताई हुई बात एग्जैक्टली वैसे ही घुस जाए जैसे मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये कॉइन आपको हर लिहाज से फ़ायदा दे सकता है। अदरवाइज अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अल्लाह ना करे कहीं मार्केट क्रैश कर जाती है तो आप ये सभी कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, कतन ये लिक्विड होने वाले कॉइन नहीं है। अब बढ़ते हैं जल्दी से फोर्थ वन आर्ट कॉइन की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स, फोर्थ वन आर्ट कॉइन के तौर पे मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेटा हीरो कॉइन, यानी कि मेटावर्स का ये प्रोजेक्ट है। इसकी मुकम्मल थ्योरी मैं आपसे पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज टाइम है आपको इसका बाइंग टाइम बताने का और नेक्स्ट वीक में अर्निंग करने का। रैंक 234 है इसका। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई 25 सेंट था, आज ये अपनी काफ़ी वैल्यू खो चुका है। आप नेक्स्ट वीक में इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें एंट्री लेनी है 0.01 या 0.02 सेंट के तौर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा $10 आपने इसमें इन्वेस्ट करने हैं, और इंशाल्लाह आप इसमें आसानी से अर्निंग कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। इन क्वाइंस में जो मैंने आपको बाय करने का टाइम फ्रेम और बाय करने की जो अमाउंट बताई है, प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वरना उसके बगैर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अब बढ़ते हैं जल्दी से फिफ्थ वन लास्ट वन क्वाइन की तरफ। सो फ्रेंड, लास्ट में जो मैं आपसे टॉप 5 आर्ट कॉइन शेयर करने वाला हूँ, नाम है इसका DUSK, डस्ट डस्ट नेटवर्क, और रैंक है इसका 259। आज अगर इसकी प्राइस हम देखें तो 50 सेंट में हमें ये बाय करने को अवेलेबल है ये आर्ट कॉइन, और अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस देखें तो $1 इसकी जो प्राइस है वो हमें देखने को मिली है। अब आपने इसमें एंट्री कैसे लेनी है और कितने पैसों में आपने एंट्री लेनी है, आपने इसमें भी सिर्फ और सिर्फ $10 इन्वेस्ट करने हैं, और इसमें एंट्री आपने लेनी है 0.20 में, यानी कि 20 सेंट में आप इसमें एंट्री लें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे रखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसमें आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपकी जेब ज़्यादा नहीं है तो इस वीडियो में जो मैंने आपसे टॉप 5 आर्ट कॉइन शेयर किए हैं, इनमें से 3 से 4 आपकी समझ लें काम के हैं और एक जो है वो आपके काम का नहीं है। मोस्टली मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर के तौर पर अपने तमाम व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपके पास सरमाया मौजूद नहीं है तो कतन ऐसे पैसों को सेल करके या ऐसे असासों को अपने सेल करके क्रिप्टो में एंट्री कतन ना लें, जिसकी वजह से आपको कल को नुकसान हो। आपके पास अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में से कुछ ऐसे पैसे मौजूद हैं जो आपके लिए बिल्कुल फालतू हैं, उसका आखिरी कोई 10वां हिस्सा निकाल कर आप क्रिप्टो में अगर एंट्री लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, और आपको कतन जॉब वगैरह छोड़ करके ऐसे कामों में इन होने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट क्रिप्टो आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन एक हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाली गेम है। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, और जो भी इंशाल्लाह ताला आप मेरे कॉइन से अर्न करते हैं उसका कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर तस्करा किया करें। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।